तीन लोगों को बहुत कोई लगेगा कि हम हवा में बात कर रहे हैं। ये प्रूफ देखो कैसे अभी ग्रुप में लोगों का बात चल रहा है कि रिपोर्ट मारो, ये करो, चलो प्ले करो। तो भाई मनोज जैन ने स्टेटस लगाया है, सबको वार्निंग दे रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप लोग देख लो उसका स्टेटस। अगर आप लोगों में से कोई भी बंदा डर रहा है तो वो ग्रुप से लेफ्ट हो सकता है, और अगर कोई गद्दारी कर रहा है तो भाई वो बक्सेगा नहीं, एक बात समझ जाओ। तो देख रहे हो ना दोस्तों, सारा प्रूफ कैसे मेरे पास सारा रिपोर्ट आ जा रहा है। तो प्रूफ मैंने दे दिया, बाकी लोगों को मैं कल समझाऊंगा, ठीक है। कल मैं साइबर क्राइम में जाकर सबका लिस्ट मेरे पास है, सारा कॉन्टैक्ट नंबर, सबका डिटेल निकालूंगा कल, और सबका घर में लीगल नोटिस भेजता हूं मैं कल सुबह। हाँ तो दोस्तों, कुछ लोग हैं जो कि टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, ठीक है, और बहुत सारे बंदों को जोड़ दिया है उस ग्रुप में, और वो लोगों से रिपोर्ट मरवा रहा है मेरे चैनल पे, ठीक है, इस पे रिपोर्ट मारो, उस पे रिपोर्ट मारो, सारा खबर आ जा रहा है। क्योंकि उसी ग्रुप में बहुत सारे ऐसे भी मेंबर्स हैं ना जो मेरे सपोर्टर हैं, उन लोगों की एक खबर तक नहीं है कानो कान, ठीक है, जो सारा खबर मेरे पास आ जा रहा है, सबका नंबर, सबका नाम, सबका एड्रेस, सब कुछ। अभी देखिए लिस्ट ही तैयार कर रहे थे अभी दोनों मिलके हम लोग, और जो जो बेटा खुला एकदम वीडियो में जो बोल रहा है कि उसका चैनल को हम प्रमोट मैंने डिलीट करवाए हैं, हम रिपोर्ट करवाएं, रुक, लिस्ट एकदम तैयार है। आज ही मैं अभी गया था साइबर क्राइम में भी बात किया, आज थाने में भी बात किया, मेरे तो यहाँ पर सीएम से भी कॉन्टैक्ट है, सारा डीएसपी एसपी जो बोलो, अब तो मैं धनबाद का ऐसे भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, सबको पता चलेगा, सबका खबर जब घर पे जाएगा लीगल नोटिस बेटा तब पता चलेगा, ठीक। एकदम पैसा खाली के लिए एकदम तैयार रखना जो जो वीडियो, और वीडियो अभी डिलीट मत करना, जल्दी जल्दी बहुत कोई होगा वीडियो डिलीट करेगा, डिलीट तो करने से कोई फायदा नहीं, सबको डाउनलोड करके रखा। और जो जो उस ग्रुप में जितने लड़के हैं ना, जो गरीब गरीब परिवार के लड़कों लोग जो आप लोगों ने जोड़ के रखे हो, और जो जो रिपोर्ट कर रहा है, तुम लोग भी बाबू समझ जाओ, ठीक है, जो भी कर रहा है, आप लोगों में वार्निंग दे दे रहा हूँ, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर ही होंगे जो वीडियो देखते होंगे, हेटर होंगे एक तरह से, तो फिर वो भी समझ जाना। और अभी ग्रुप लेफ्ट करके भी कोई फायदा नहीं, अभी ग्रुप लेफ्ट करोगे कोई फायदा नहीं, सबका नंबर वगैरह सब कुछ मेरे पास डिटेल, क्योंकि उस ग्रुप में मेरा बंदा है, वो आपको नहीं पता कौन है, ठीक है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा यहाँ। तो कल सबके घर में लीगल नोटिस जाएगा, सबका एड्रेस नाम सब निकल रहा है, सब साइबर क्राइम में जा रहा है, सबको समझ में आएगा, मारू रिपोर्ट, सबको बताता हूँ, रुक। सीक्रेट प्लान बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल, ये डेफिनेशन है कॉन्स्पिरेसी की या षड्यंत्र की। उदाहरण के लिए हम अभी समझ सकते हैं, जो रिसेंटली मैंने देखा यूट्यूब में चल रहा है, जैसे मनोज दे के खिलाफ बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं, एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, उनको मास रिपोर्टिंग कर रहे हैं बहुत सारी, ताकि उनका चैनल डाउन हो जाए, तो ये एक प्रकार से इलीगल है, और मनोज दे ने इसके लिए एक्शन भी लिया है, जहाँ तक मुझे पता उन्होंने साइबर टीम को भी सूचित किया है, और साथ में एक FIR भी रजिस्टर करने का उनकी प्लानिंग चल रही है। तो आप सब भी अनावश्यक ऐसी कॉन्स्पिरेसी में, अनावश्यक ऐसे षड्यंत्रों में ना शामिल हों, और इन सब चीज़ों से बचें, अवॉइड करें, जब तक कोई चीज़ इलीगल ना हो, जब तक सच में आपको इफेक्ट नहीं कर रही है, सच में वो समाज में इफेक्ट नहीं कर रही, आप अनावश्यक रिपोर्ट मेरे हिसाब से तो उचित नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है अभी क्या चल रहा है, सिचुएशन नहीं चल रहा है, देखिए मैं अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा था, लगभग एक सप्ताह हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे अंदर अंदर सारा न्यूज मिल रहा था कि वो लोग पूरा षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है, चैनल को मनोज देखा डिलीट करवाना है, मारो रिपोर्ट, रात भर जाग कर भाई रिपोर्ट मरवा रहा था, समझे। तब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं इतना जो नॉर्मल हूँ, लोगों का मैं इतना सोचता हूँ, भला सोचता हूँ, मैं अभी तक एक्शन इस वजह से नहीं ले रहा था कि भाई क्यों किसी का कुछ करना, गरीब घर का लड़का लोग होगा, 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर होगा, सारा चैनल वनल चला जाएगा, कुछ हो जाएगा, केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा, झूठ मूठ का, मतलब एक्शन नहीं ले रहा था, क्योंकि सब मेरे चाहने वाले हैं, सब्सक्राइबर है, वीडियोस देखते हैं, बट नहीं, ये पानी जब सब सर से ऊपर चलने लगता है ना, तब इंसान कितना अपने आप को कंट्रोल करे, कितना नॉर्मल रहे, कितना डाउन टू अर्थ रहे। आप किसी का 7 साल का मेहनत को आप बोलते हो कि पल भर में उखाड़ देंगे, डिलीट करवा देंगे, तो भाई 7 साल मेहनत किया ना मैंने इसके पीछे, पर आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि मेरे वीडियोज़ देखने वाले कितने ऑडियंस है, 45 लाख। तो वो 45 लाख में ना बहुत सारे SP, चाहे वो CM हो, विधायक हो, सब देखते हैं भाई, 45 लाख ऑडियंस ऐसे ही नहीं कमाया है मनोज दे ने, ठीक है। आप मेरा चैनल डिलीट करवा दोगे, एक चैनल और खुल जाएगा, वो डिलीट करवा, 4 और खुल जाएगा, ऑलरेडी मेरे पास अभी 4-5 चैनल पड़े हुए हैं, तो ये मैटर नहीं करता ना, लेकिन आपको कम से कम थोड़ा तो दिल में, तो कितना पत्थर दिली इंसान हो सकता है, इंसान समझ के देखो, कोई कुछ भी गलती करते, आप किसी का जो है 7 साल का मेहनत आप कैसे बिगाड़ सकते हो भाई, ठीक है, ये इसके आपके अंदर में थोड़ा सा इंसानियत बोल के कोई चीज़ होना चाहिए ना। आप जो यहाँ पर गेम खेल रहे हो, षड्यंत्र रचे, ग्रुप बना करके सबको पूरा रिपोर्ट करिए करो, और आप बोलते कोई इलीगल नहीं है ये चीज़, अभी आपको पता चलेगा क्या चीज़ इलीगल है नहीं है, ठीक है। ये 3-4 दिनों में मेरे पास इतने सारे सब इंस्पेक्टर का, बड़ा बाबू छोटा बाबू बोलो, कितने सारे MLA जो कि मेरे लोकल के हैं, बाकी बहुत सारे बिहार UP तरफ के भी सब देखते हैं भाई, सब फोन कर रहे हैं कि क्या दिक्कत हो गया आपको, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके घर के फैमिली मेम्बर लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं, सबको पसंद आता है, मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि 45 लाख जब इंसान ने
ऑडियंस कमाया है तो वो कितना लोग प्यार करते होंगे, ऐसे ही सब्सक्राइबर नहीं कर लेता कोई, किसी को तो कुछ तो अच्छा ही लगता है ना भाई। इतना नॉर्मल सिंपल साधारण मैं रहता हूँ, सबसे पोलाइटली बात करता हूँ, कभी किसी को गाली गलौज नहीं किया, कभी किसी को ऊंची आवाज़ में कुछ बोला नहीं, तो इंसान नॉर्मल है तो उसको नॉर्मल रहने दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर मतलब दहाड़ नहीं रहा तो उसके अंदर में गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। अपना काम कीजिए, हम भी अपना काम कर रहे हैं, साफ बात है। ज़्यादा उछालोगे, ज़्यादा उंगली करोगे तो भाई मैं अभी चुप नहीं रहूँगा।